इसराइल और हमास के बीच जंग का आज 13वां दिन है। जंग का सिलसिला 7 अक्टूबर को शुरू हुआ और आज इस जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। गाजा पट्टी के अल अहली अस्पताल में धमाके के बाद से लोग शॉक में हैं और इसी के चलते कई जगह इस युद्ध को लेकर धरने और प्रदर्शन जारी हैं। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में धमाके का आरोप इसराइल पर लगाया है। मिडिल ईस्ट के लोग सड़कों पर निकलकर नारेबाजी कर विरोध कर रहे हैं। इस युद्ध के चलते कहीं लोग प्रदर्शन कर इसराइल पर गुस्सा जता रहे हैं तो कहीं इकट्ठा होकर सीज़फ़ायर की मांग कर रहे हैं। वॉशिंगटन में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और यहूदी अमेरिकी संसद में प्रदर्शन कर सीज़फ़ायर की मांग कर रहे हैं।